भ्रष्टाचारियों के समर्थक हो। 1.5 करोड़ रुपए लेकर के तुमने आरपीएससी का मेंबर क्यों बनाया था? तुमने राजीव गांधी स्टडी सर्कल के कार्यकर्ताओं को पेपर रखने की जो जगह थी स्ट्रांग रूम, उसकी चाबी क्यों दी थी? और स्टडी सर्कल लोग कांग्रेसी थे, वहां पेपर रखा, चाबी से खोला, ताला और बेच दिया। मैं यहां से करके जा रहा हूं आप सब लोग के सामने। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान गोविंद सिंह डोडासरा जी और आपके यहाँ के एमएलए तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब अब जेल में जाने वाले हैं। भगवान भी उनको बचा नहीं सकता है। सोजी की सुई और टीडी की सुई घूम रही है, भगवान भी नहीं बचा सकता। अशोक जी गहलोत साहब, मैं आपकी धरती पर करके जा रहा हूं कि अब तुमको भगवान भी नहीं बचा सकता। जेल की सीखों के पीछे होंगे और तुम राजस्थान में कहोगे कि राजस्थान की जेल में नहीं रहूंगा, हमको मार देंगे, इसलिए आपको तिहाड़ जेल में रखेंगे और वहां केजरीवाल के साथ आप घट्टी पीसना, चक्की पीसना, आटा पीसना और दोनों मिलकर के योजना बनाना कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराना है। कांग्रेस पक्ष में मत बना हुआ, मुझे घबरा गई तो प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी बार बार दौरे करने लग गए राजस्थान के अंदर, घबरा गए लोग। तो आप समझ सकते हो कि कांग्रेस का माहौल राजस्थान में एक तरफा है, अच्छा माहौल है। और जो ये 400 पार की बातें करते थे, अब करना छोड़ देंगे। पहले फेज के बाद में जो इनके मुंह से निकलता था अगली बार 400 पार, वो निकलना बंद हो जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ।